नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है पाल शैली से संबंधित है। आप सब जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय लघु चित्रकला, जिसमें खासकर आपके सिलेबस में जैन, पाल और अभ्रंश शैलियाँ पूछी जाती हैं। ये 750 से लगभग 1500 ईस्वी के मध्य का डाटा होता है, लेकिन अब यहाँ 750 से 1197 ईस्वी के मध्य का डाटा शामिल किया गया है, जिसमें पाल शैली हम लोग खासकर देखेंगे। पाल शैली पूर्वी शैली के नाम से भी जानी जाती है, ये ध्यान रखना है, पूर्वी शैली उपनाम है इसका। और कई बार ये क्वेश्चन छप चुका है पूर्वी शैली किसका उपनाम है, तो पाल शैली का ही उपनाम है, ठीक है। और प्रीवियस में हमने पढ़ा है भारत के प्रमुख ऐतिहासिक कला केंद्र, जिसमें होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, इसको पढ़ा। उसके बाद इस पर हमने एमसीक्यूज भी की, एमसीक्यूज बाद में किए हो, उससे पहले हमने सुपरफास्ट रिवीजन भी देखा है, तो उसे आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद हमने पढ़ा भारत के सिंधु घाटी सभ्यता की कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला में खासकर जो आपके सिलेबस में डिजाइन है वो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। लेकिन हमने पढ़ा क्या क्या है, हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदाड़ो पढ़ा, खासकर लोथल, चन्हुदड़ो और कालीबंगा के बारे में भी जान लिया है, रंगपुर, आलमगीरपुर, सितकागंडोर, इसके बारे में भी हम बार बार वीडियो में इसीलिए बताते रहते हैं जो क्वेश्चंस यहाँ से छप सकते हैं। जैसे रंगपुर काठियावाड़ा जिला है, गुजरात में पड़ता है, एसआर राव खोजते हैं, 1954 का खोज करता है, ज्वार बाजरा यहाँ पे मिलता है, रंगपुर में ज्वार बाजरा मिलता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आलमगीरपुर क्या है, मेरठ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यज्ञदत्त शर्मा खोजते हैं, 1958 में खोजा जाता है, 1958 में खोजा जाता है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, हिंडन नदी के किनारे जो है मूल रूप से ये पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत बार पूछा गया है, हमने बताया भी है, कई बार हमने बताया है। सबसे पूर्वी विस्तार कहाँ पे है, आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, ये मेरठ उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी उत्तार जो है कहाँ पे है, ये सुतकागंडोर में है, सुतकागंडोर में है मूल रूप से सबसे पश्चिमी। अच्छा, सबसे उत्तरी वाला कहाँ पे है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। जबकि सबसे दक्षिणी विस्तार कहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता का, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, दैमाबाद, अहमदनगर जिला। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, दैमाबाद कौन सा जिला, अहमदनगर जिला, ठीक है। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या रही है, तो 2350 ईस्वी से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी सबसे प्रमाणिक डाटा यही माना जाता है। 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य जो है मूल रूप से रेडियो कार्बन के द्वारा जो बताया गया है हड़प्पा सभ्यता काल या तिथि, वही माना जाता है। तो हमने पढ़ा है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की है, उसको रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हड़प्पा मांडगोमरी जिला है, राय बहादुर दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता आते हैं, 1921 में खोजते हैं, रावी नदी के किनारे स्थित है, क्या क्या मिलता है, एक विशाल अन्नागार यहाँ मिल जाता है, लोथल अहमदाबाद गुजरात वाला क्षेत्र होता है, रंगनाथ राव इसे खोजते हैं, 1955 में खोजा जाता है, भोगवा नदी के किनारे है, मन के बनाने कारखाने कहाँ मिलते हैं या फिर लिपस्टिक कहाँ मिलती है, पाउडर कहाँ मिलते हैं, चन्हुदड़ो में मिलते हैं, चन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र होता है, सिंधु नदी के किनारे है, 1931 में इसकी खोज होती है। तो इसे आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। आप एक बार नोट डाउन कर लिए हैं तो दोबारा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अगर आप इसे सुन भी लेते हैं तो आपका काम बन जाने वाला है। मांडा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र होता है, कौन खोजता है, जगपति जोशी जी जो है इसके उत्खनन करता है, कब खोजा जाता है, 1982 में, चेनाब नदी के किनारे मांडा क्षेत्र स्थित है, चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको आपको हर हाल में देखते हुए चलना है, ठीक। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर भारतीय चित्रकला के षडांग हमने पढ़ा, पंडित यशोधर जी को पढ़ा, रूप भेदा प्रमाणा, भावलामण योजनम, ठीक है। तो उसको हमने 6 खंडों को देखा है, क्या क्या है, कैसे है, कैसे उसमें अवनींद्रनाथ ठाकुर का जो है हस्तक्षेप आता है, उनसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं पढ़ी, जोगी महाराज, अंता, बाग बदामी, लोरा, सेतनवासल, ये सब देखा है, तंजौर की गुफा भी हमने देखा है, सिगरिया की गुफा भी हमने देखा, जबकि आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमने पढ़ाया है। और हमने पढ़ाया है तो आपको पढ़ना भी रहा, आप पढ़े भी हैं, अच्छे से पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ज़बरदस्ती पढ़े हों। अजंता गुफा,
कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे अजंता की अगर बात करते हैं तो ये औरंगाबाद वाला क्षेत्र हो जाता है, महाराष्ट्र राज्य में है, अजंता गुफा है और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी गुफाएं पाई जाती हैं। मूल रूप से जो है अजंता में कितनी गुफाएं हैं तो अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं, आप जानते होंगे अजंता में 30 गुफाएं हैं। कितनी बौद्ध गुफाएं हैं, 25 जो है मूल रूप से बिहार गुफाएं हैं और 5 जो है टोटल इसमें चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य मतलब हुआ पूजा का स्थल, बौद्ध और जो बिहार मतलब है रहने का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान जो है बिहार गुफा कहलाती है, उनकी संख्या 25 है। ठीक है, टोटल 6 गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे वर्तमान में भी चित्र मिलते हैं। कुल मिला के 30 गुफाएं हैं, चित्र मिलते लेकिन नहीं मिल पाए, नष्ट हो गया। वर्तमान में टोटल 6 गुफा में चित्र मिलते हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में मूल रूप से चित्र मिलते हैं। 17 नंबर गुफा को ही मूल रूप से चित्रशाला कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो है चित्र वहीं मिलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, एलोरा गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलोरा भी वही क्षेत्र आता है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद क्षेत्र आ जाता है और यहाँ पे कुल मिला के गुफाओं की संख्या 34 हो जाती है। एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 हो जाती है। गुफा संख्या 16 में यहाँ इसकी प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर स्थित है और कैलाश मंदिर ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण है, राष्ट्रकूट राजा उसे बनवाते हैं। अच्छा अजंता में गुफा संख्या 16 में क्या स्थित है, आप जानते होंगे मरणासन राजकुमारी कहाँ स्थित है, गुफा संख्या 16 में ही स्थित है। बाघ गुफा की बात करें तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश का धार जिला होता है, इंदौर के पास है और लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। बाघ मध्य प्रदेश धार जिला 1818 में खोजा जाता है और जो है मूल रूप से 1925 में इसका मुकुल चंद डे जी इसकी प्रतिलिपि बना देते हैं। तो बाघ गुफा की प्रतिलिपि मुकुल चंद डे कब बनाते हैं, तो 1925 में बनाते हैं, ये मुकुल चंद डे साहब बनाते हैं। जबकि इसका स्केच तैयार करने के लिए एक डाटा और आता है, आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस कब बनाते हैं, तो 1921 में बनाते हैं। आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस 1921 में, जबकि मुकुल चंद डे 1925 में, दोनों याद रखना है। उसके बाद हम लोग बादामी गुफा को पढ़े हैं, कर्नाटका राज्य बीजापुर जिला बादामी फेमस है। शिव विवाह का चित्र जो है बादामी में ही मिलता है, बहुत फेमस है शिव विवाह का चित्र। और जो है उसके बाद जोगीमारा गुफा को हमने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा जनपद बहुत बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा जनपद फेमस है उसके लिए, जोगीमारा गुफा के लिए। ठीक, फिर हमने सित्तनवासल को भी पढ़ा है, सित्तनवासल भित्ति चित्रण है, जैन गुफा मंदिर है, तमिलनाडु में पड़ता है सित्तनवासल। सित्तनवासल कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु। इसको हमने पढ़ा है, रिवाइज कर रहे हैं केवल, हल्का फुल्का रिवाइज। सिगरिया गुफा कहाँ पे है, सिगरिया गुफा एक ब्रिटिश फौजी आते हैं 1830 में इसको खोज देते हैं। सिगरिया गुफा है, अपना पड़ोसी राज्य है, राज्य क्या है, देश है, पड़ोसी देश है, श्रीलंका नाम है, वहीं पे सिगरिया गुफा पाई जाती है। इतने क्वेश्चंस बना है। तंजौर क्या है, तो ये तंजौर जो है कावेरी नदी किनारे है, तमिलनाडु के पास स्थित है, वहाँ भी थोड़े बहुत डाटा मिल गए हैं। खुजराहो में कुल मिला के मंदिरों की संख्या बहुत बार पूछी गई है, तो खुजराहो में कुल मिला के 30 मंदिर एक साथ पाए जाते हैं, 30 मंदिर हैं खुजराहो में। खुजराहो कहाँ का हिस्सा है, तो सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश और छतरपुर जो है जिला है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है खुजराहो। और यहाँ पे टोटल 30 मंदिरें पाई जाती हैं, बहुत बार पूछा गया है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है, तो खुजराहो में ही है। अच्छा एलिफेंटा गुफा बहुत बार पूछी गई है, एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है, तो समुद्र से घिरी हुई है और मूल रूप से गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। कहाँ पे हो जाएगी, महाराष्ट्र में हो जाएगी। तो इसको हमने देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको हमने समझा है। ठीक है, तो सित्तनवासल हो, एलिफेंटा हो, सिगरिया हो, इनको हमने पढ़ा, देखा, समझा, क्या क्वेश्चंस आते थे, इसकी प्रैक्टिस की, इसके एमसीक्यूज लगाए। अब हम लोग आगे बढ़े थे भारतीय लघु चित्रकला में, जिसमें पाल जैन अपभ्रंश को हमें पढ़ना था। आज के इस वीडियो में हम लोग पाल शैली को देखेंगे और पाल शैली से पहले हमने जैन शैली देख रखा है। जैन शैली से अभी तक जो प्रश्न बनते थे उनको हमने देखा है, अच्छे से देखा है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। पाल शैली की अगर बात करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है और अच्छे से यहाँ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पाल शैली किसके संरक्षक थे, तो पाल शासक थे, पाल शैली इसका वो है। और मूल रूप से बौद्ध धर्म का विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा जाता है, पाली भाषा विनय पिटक। ठीक है, पाली भाषा। और अगर बात करते हैं पाल शैली की, तो आइए स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो थानेश्वर के सम्राट हर्ष व गौड़ के राजा शशांक के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक बंगाल पर
शासन व्यवस्था बिगड़ी रही और सन 730 से 740 ईस्वी के मध्य बंगाल की जनता ने विद्रोह आरंभ कर दिया। अब जब विद्रोह आरंभ होगा तो कोई नया शासक बनेगा, तो बंगाल की जनता ने खुद जो है गोपाल नामक एक व्यक्ति था उसको चुन करके राजा घोषित कर दिया और इसी प्रकार बंगाल में शांति एवं पाल शासकों की स्थापना हो पाई। तो शांति एवं पाल शासकों की स्थापना किस टाइप से हो पाई, जब विद्रोह किया गया तब। कौन शासक बनता है, गोपाल, गोपाल ही पहला शासक बनता है। राजा गोपाल जो बंगाल के पाल वंश के पहले शासक बनते हैं ने शीघ्र ही दक्षिण बिहार तक अपना जो है राज्य स्थापित कर लिया। यानी इनका कहने का मतलब था कि जो ये राज्य विस्तार की नीति थी उस पर एक काम कर रहे थे गोपाल जी, ठीक है। तो दक्षिणी बिहार तक अपना जो है राज्य स्थापित कर लिया। गोपाल के पश्चात उसका उत्तराधिकारी पुत्र आता है धर्मपाल, और धर्मपाल का नाम बहुत ज़्यादा इतिहास में फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एक अच्छा काम कर दिया, बहुत ही अच्छा काम कर दिया, नाम होता है और एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है, ठीक है। तो गोपाल के पश्चात उसका उत्तराधिकारी पुत्र राजा धर्मपाल होता है और 810 ईस्वी में धर्मपाल जो है अपने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ करता है और ज़्यादा राज्य को बढ़ाता है। तो कुल मिला के लोग राज्य को बढ़ाने का हस्तक्षेप करने का नीति जो है चलाते हैं। धर्मपाल अति धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, साथ ही साथ विद्या और व्यवसायनी था, कला का संरक्षक भी माना जाता है धर्मपाल को, कला का संरक्षक भी था। गंगा के किनारे भागलपुर जिला, भागलपुर जिला कहाँ पड़ता बेटा, बिहार में पड़ता, याद रखना है, ये क्वेश्चन छप चुका है। किस जिले में मूल रूप से विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है, तो भागलपुर राइट आंसर था, अक्सर लोग गलत करके आए थे। तो भागलपुर ये गंगा के किनारे स्थित है, बिहार प्रांत में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया किसने, धर्मपाल ने बनवाया। धर्मपाल ने मूल रूप से जो है भागलपुर में गंगा के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, बनवा दिया फाइनली। और धर्मपाल ने ही ओदांतपुरी व सोमपुरी बिहारों को, बिरोंद, बिरोंद कहाँ पे है बेटा, उत्तरी बंगाल का क्षेत्र होता है, तो यहीं पे ओदांतपुरी और सोमपुरी को भी बनवा दिया था। तो बिरोंद में बनवाया है, उत्तरी बंगाल का हिस्सा होता है। ओदांतपुरी और सोमपुरी को कहाँ बनवाया, तो मूल रूप से उत्तरी बंगाल के बारेंद्र में भी या फिर बिरोंद में बनवाया, तो बारेंद्र भी रहता है, ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं देवपाल जी। देवपाल ये धर्मपाल के पुत्र होते हैं, इन्होंने भी अपनी सीमा का विस्तार किया, यानी ये लोग राज्य को बढ़ाने पे सबसे ज़्यादा जोर देते थे। यह वस्तुतः चित्रकार एवं मूर्तिकार का महान उन्नायक माना जाता है। कौन, देवपाल। देवपाल जो है चित्रकला और मूर्तिकला को बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों पर पहुँचाना चाहता था, इसको बढ़ाना चाहता था। इन्होंने सारनाथ, गया, नालंदा, कुरकिहार आदि स्थानों पर मूर्तियाँ या जो है ऐसे उकरवाएँ या मूर्तियाँ बनवाएँ। कहाँ कहाँ पे बनवाएँ, तो ये सारनाथ में बनवाएँ, ये भी बौद्ध का ही स्थल है। गया, वहाँ पे भी बौद्ध धर्म से संबंधित डाटा मिलते हैं, उस पर मूर्तियाँ बनवाई। नालंदा में भी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ किसने बनवाई, देवपाल ने बनवाई। कुरकिहार ये कहाँ है, कुरकिहार में भी मूल रूप से देवपाल ने बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया, ऐसे चित्र बनवाए, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चंस एक एक पूछा जाएगा, वन लाइनर बेस होता है, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा पता होता है तो राइट आंसर जाता है, नहीं गलत हो जाता है। देवपाल के बाद उसके पुत्र नारायणपाल ने सत्ता संभाली, नारायणपाल के बाद महीपाल आते हैं। महीपाल इस राज्य का सबसे प्रतापी एवं प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। महीपाल के समय में ही अनेक पाल पोथियों का चित्रण होता है, आप जानते होंगे पाल शैली जिसे हम लोग पूर्वी शैली के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जितने भी चित्रण हुए हैं वो पाल पोथियों पर ही हुए हैं, पाल पोथियों पे ही, चाहे बुद्ध की योग मुद्रा में कमल पर आसीन हो वो भी मूल रूप से पाल शैली में ही बना हुआ है, चाहे पंचशिखा हो, चाहे फिर प्रज्ञा पारमिता हो, या फिर साधनमाला हो, या फिर गंधर्व बिहू हो, ये सब जो है मूल रूप से पाल पोथियों पे ही बनाए गए हैं। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल की है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। तो महीपाल के समय में ही अनेक पाल पोथियों का चित्रण होता है, उसमें नाम आते हैं कौन कौन से, तो महीपाल ने कई चैत्य, मूल गंधकुटी व फिर धर्मराजिका स्तूप भी बनवाया। कौन कौन से, चैत्य, मूल गंधर्व कुटी और धर्मराजिका स्तूप किसने बनवाया, महीपाल ने बनवाया। महीपाल का पुत्र आता है जयपाल होता है, और जो है जयपाल का पुत्र विग्रहपाल तृतीय था। ये सभी राजा जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कुल मिला के लोग बौद्ध धर्म को ही बढ़ाना चाहते थे। बंगाल हो, नेपाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ सभी लोग इसका जो है खूब प्रचार प्रसार करवाए, ठीक है।
तो उस टाइम बौद्ध धर्म अपने चरमों पे भी चल रहा था, क्योंकि गौतम बुद्ध आ चुके थे। बात करते हैं, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है, इसका चित्रण इसके समय का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। किसके समय का? तो पाल शैली का। क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन पाल अपभ्रंश में किसके समय जो है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर बैठे हुए दर्शाए गए हैं, तो प्रज्ञापारमिता पाल शैली मूल रूप से राइट आंसर बनेगा। और कब ये दर्शाया गया है? तो 1087 ईसा पूर्व का चित्रण है ऐसा माना जाता है। विग्रहपाल तृतीय के राज्यकाल में उत्तरी बंगाल में सेन वंश के उदय से बंगाल पाल के बाद इस प्रदेश पर सेन राजवंश की स्थापना हो जाती है। जब राजा जो थोड़ा कमज़ोर पड़ता है तो नए राज्य की स्थापना हो जाती है या फिर नए वंश की स्थापना हो जाती है, ऐसा इतिहास में आपने देखा होगा। ऐसे काम यहाँ भी हुआ, आप देख सकते हैं सेन वंश स्थापित हो गया। ठीक है, तो सेन वंश जो है 11वीं शताब्दी के मध्य नवकल्याणी के चालुक्य के राजा विक्रमादित्य ने बंगाल पर आक्रमण किया। तब उसके एक सेनापति सामंत सेन ने उत्तरी उड़ीसा में सुवर्णरेखा नदी के किनारे मूल रूप से काशीपुरी नामक एक नया नगर बना दिया और इसकी स्थापना जो है इसी राजवंश के नाम से कर दी गई। तो काशीपुरी सामंत सेन ने मूल रूप से उसको राजधानी बनाया और वहीं पे काम हुआ। किस नदी के किनारे? तो सुवर्णरेखा नदी के किनारे, उड़ीसा में ये पड़ती है। 12वीं शताब्दी में इस राजवंश के विजय सेन ने पालों से बंगाल जीत लिया। पालों से जब बंगाल जीता किसने? विजय सेन ने जीता। तो फिर पाल वंश की शक्तियों को छीण कर दिया गया मतलब उसका जो प्रभाव था बिल्कुल नाक के बराबर कर दिया गया। और विजय सेन, बल्ला सेन और बल्ला सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन क्रमशः राजा हुए। लक्ष्मण सेन पे अभी हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत विद्वान राजा होता है लक्ष्मण सेन और बहुत प्रतापी भी होता है। लक्ष्मण सेन एक विद्वान एवं शक्तिशाली राजा था। गीत गोविंद के रचयिता आप जानते होंगे जयदेव जी हैं, ये किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ऐसे उमापतिधर ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। श्रीधर दास किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। हलायुद्ध ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में। गोवर्धनाचार्य ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। तो ऐसे विद्वान मूल रूप से लक्ष्मण सेन के दरबार में रहे हैं। तो जैसे विद्वान एवं कवि उसके दरबार में रहा करते थे और उसके दरबार की शान हुआ करते थे। लक्ष्मण का पुत्र जो है माधव सेन कुतुबुद्दीन के सेनापति से 1199 ईस्वी में युद्ध हार जाता है। कौन? माधव सेन युद्ध हार जाता है और मूल रूप से यहाँ से काम खत्म होने की कगार पर आ जाता है। आगे क्या होता है? इस वंश के राजा सेन नाम से प्रसिद्ध हुए। वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म का विरोध करते थे। अच्छा काम था, बौद्ध धर्म को वो लोग नहीं मानते थे और ब्राह्मण धर्म को मूल रूप से प्रचार प्रसार कर रहे थे। सन 1199 ईस्वी में जब तुर्कों ने नालंदा पर आक्रमण किया, उससे बौद्ध संस्कृति और चित्रकला को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा गहरा शोक पड़ा। ठीक है, तो किसको? बौद्ध संस्कृति को और चित्रकला को, दोनों को ख़त्म करने का काम किसने किया है? तो मूल रूप से जब तुर्क ने आक्रमण किया नालंदा विश्वविद्यालय पे, तो बहुत सारे साक्ष्य को जला दिया गया, बहुत सारे साक्ष्य को हटा दिया गया, बहुत सारे साक्ष्य को तोड़ दिया गया। ठीक है, याद रखना है 1199 में तुर्क का आक्रमण होता है नालंदा पे। आगे, पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक माने जाते हैं और इन्हीं के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एवं संस्कृति तिब्बत और दक्षिण पूर्वी देशों के रूप में भी फैल पाई। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र या मुख्य जो है प्रमुख जो है भूमिका किसने निभाई इसके उत्थान के लिए? तो मूल रूप से पाल राजाओं ने निभाई। पाल राजा मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म को ही अपनाते थे और ये लोग तिब्बत और दक्षिण पूर्वी देशों में भी इसको फैलाने का काम किए हैं। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रुबिशो ने इसका नामकरण किया है और हेलेन रुबिशो ने पाल शैली को बिहारी शैली की उपमा भी प्रदान की है। तो हेलेन रुबिशो के अनुसार या फिर रुबिशो के अनुसार मूल रूप से पाल शैली का उपनाम क्या है? बिहारी शैली है, क्योंकि यह शैली बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि क्षेत्रों में भी पनपी। अतः बिहार शैली का नामकरण दे करके इसे केवल मात्र बिहार से जोड़ना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये उड़ीसा बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि जगहों पे फैली हुई
शैली मानी जाती थी, इसलिए ऐसा नामकरण करना अच्छा नहीं है। तो बिहार से जोड़ना उचित नहीं जान पड़ता है, अतः इसका पाल शैली ही सबसे उपयुक्त नाम रहा होगा। तो पाल शैली ही इसका सबसे बढ़िया नाम माना गया। कलाकार धीमान और उनके पुत्र, तो कलाकार धीमान साहब आते हैं, उनके पुत्र आते हैं बित्तपाल। बित्तपाल ने इस शैली को पनपने की सहायता प्रदान की थी। पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र हैं, कौन कौन से? तो बंगाल, बिहार और नेपाल। बंगाल, बिहार और नेपाल मूल रूप से किसके केंद्र हैं? तो पाल शैली के सबसे अच्छे केंद्र माने जाते हैं बंगाल, बिहार और नेपाल। आगे बात करते हैं, तो पाल शैली में तालपत्र, पाल शैली में तालपत्र लगभग 2 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। बहुत बार पूछा गया डाटा तालपत्र की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो 2×2.5 इंची होती है। 2×2.5 इंची के मूल रूप से आकार में होता है तालपत्र, और इन पर ताल पन्नों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में, किस लिपि में? देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छपे के समान अक्षरों में यह पोथियां लिख दी गई हैं। पाल पोथियां कैसी लिखी गई हैं? ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं। ताड़पत्रों की साइज क्या होती है? 2×2.5 इंची, 2 इंची लंबाई और 2.5 इंची चौड़ाई में होती हैं। किस लिपि में इसे लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आगे बात करते हैं, तो क्या डाटा और सामने आता है? तो जब लिखने का काम आता है, इन पृष्ठों के बीच एक आयताकार या वर्गाकार स्थान भी खाली छोड़ देते हैं, और जिसमें महान या फिर महायान देवी देवताओं को जो है चित्रित किया जाता है। महायान किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से कुछ रिलेटेड जो है फ़ोटो यहाँ छपाई के काम होते थे, जो डाटा छोड़ा जाता था आयताकार वर्गाकार बनाए जाते थे। ये चित्र 1 या 2 इंची वर्गाकार में हुआ करते थे। इन पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर से पटरे लगाए जाते थे। इन्हें दफ्तियां या फिर काष्ठपट कहा जाता था, काष्ठपट या फिर दफ्तियां कहा जाता था। जो ये 1-2 इंची का डाटा छोड़ा जाता था, इसमें काष्ठपट लगाया जाता था, और जब ये काष्ठपट लगा दिया जाता था, उसके ऊपर बुद्ध की जीवनी लिखी जाती थी और बुद्ध के शिक्षा से संबंधित चित्र भी दर्शाए जाते थे। जातक कथाओं पर आधारित है। पाल शैली के चित्रों की अजंता शिल्पी से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। तो पाल शैली का मुख्य रूप से प्रभाव किस पे रहा है? तो पाल शैली जो है प्रभावित रही है अजंता शिल्पकला से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पाल शैली में और क्या हुआ है। तो पाल पोथियों में सचित्र पोथियां 2 दर्जन से कम मिलती हैं, और जो प्राप्त हैं उसमें साधनमाला, गंधर्व व्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियाँ आदि शामिल हैं जो इसमें आती हैं, और जो है ये पाल पोथियों पे ही संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, तो अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता बौद्ध ग्रंथों पे आधारित है। इस ग्रंथों की एक प्रति जो है 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के भीतर बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा, विक्रमशिला में जो है चित्रित हो गई थी। आगे बात करते हैं, तो गोपाल थर्ड के 15वें राज्यारोहण के वर्ष में चित्रित हुआ है, और यह जो है मूल रूप से विक्रमशिला महाविहार में चित्रित किया गया है। पंचशिखा की बात करते हैं, तो पंचशिखा क्या था? राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित की गई और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है, उसे हम लोग पंचशिखा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे सुरक्षित है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। आगे बात करते हैं, तो गंधव्यूह ग्रंथ क्या है? तो इसकी प्रतिलिपियाँ कुल्लू, स्वैत स्लाव रोरिक इत्यादि के संग्रहों में भी इसमें 126 चित्र हैं जो अजंता परंपरा के अनुरूप हैं। किसमें? गंधर्व चित्र में मूल रूप से कितने चित्र चित्रित हैं? 126 चित्र मूल रूप से चित्रित हैं, याद रखना है। बौद्धिचार्यव्रत की अगर बात करते हैं, यह क्या है? तो इसकी एक प्रति बोस्टन संग्रहालय अमेरिका व फिर बेरेंद अनुसंधान समिति राजशाही में मूल रूप से सुरक्षित है। इसका भी संबंध बौद्ध धर्म से ही है। आगे बात कर लेते हैं, पाल शैलियों के अधिकांश पोथियों में से प्राप्त होते हैं मानवाकृतियों के अधिकतर चेहरे, सवा चश्मे का एक और प्रारूप में बनाए जाएंगे, साथ ही साथ सिर चपटे होते हैं, नाक लंबी होती है, पतले गाल होते हैं, आँख आगे निकली हुई होती हैं, आँखें बड़ी बड़ी होती हैं,
कर्ण स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई होती हैं। ऐसा चित्रण जो है मूल रूप से यहाँ पे मिलता है। स्वच्छंदता का अभाव है और आसपास जो है खूब अच्छे से चित्रण किया गया है। आकृतियों के हाथों तथा पैरों की मुद्राओं में अकड़न सा दिखाई देता है। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं? थोड़ा पाल शैली में मूल रूप से चित्र कैसे बनाए गए हैं आप जानते हैं, काले रंग से बनाए गए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि तूलिका की जगह निब का प्रयोग हुआ है। तूलिका यानी ब्रश की जगह मूल रूप से निब का यानी बढ़िया पेन का प्रयोग किया गया है, ये बताया जा रहा है। पाल शैली में पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताल पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए हैं और ताल पत्रों पर तैयार किए गए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात बहुत बढ़िया है, सही है सब कुछ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा डाटा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तभी वीडियो लाइक करना, ज़बरदस्ती कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपका पढ़ने मन लग रहा है तो आप पढ़ाई करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करिए, और जो है अपने आप पे अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर रखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें 4600 पे स्किल की नौकरी चाहिए, एक प्रमोशन हो जाए तो हम भी इंटर कॉलेज के जो है प्रिंसिपल बन जाएं, और प्रिंसिपल बन जाएंगे तो समझ लो गैस्टेड ऑफिसर बन गए, यानी PCS आप क्वालिफाई कर ले गए। तो इतना बढ़िया मौका है, पहले बार चांस है, पहली बार आपने पेपर दिया, पहले बार ही आपके सामने भर्ती आने वाली है। तो इसमें अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं निश्चित रूप से सफल होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। तो पाल शैली समझ में आया नहीं आया ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। रिवीजन कैसा रहा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।